यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए आगरा पहुंचे थे। इस बीच उन्होंने जनता को संबोधित भी किया, साथ ही साथ विपक्ष पर, खासकर के अखिलेश यादव की पार्टी सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। आगरा पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य पहली बार बैकफुट पर दिखे। पहली बार आगरा में पहुंचकर मौर्य ने सीएम योगी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। हमारे आपके अनुसार कौन बनना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियों में कर चुके हैं। इस ऐलान के बाद ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य के लिए संकेत साफ है कि वो इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर ही रह सकते हैं। दरअसल हमेशा देखा गया है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य केंद्र के साथ राज्य सरकार की तारीफें तो करते हैं, लेकिन अक्सर योगी सरकार शब्द से परहेज करते आए हैं। इससे चाहे मनभेद कहा जाए या मतभेद, कई बार इसकी झलक दिखाई पड़ी है, लेकिन शुक्रवार को केशव मौर्य के बयान ने काफी कुछ साफ कर दिया है। मौर्य ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी के आशीर्वाद से इस बार भी हम यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं और 10 मार्च को प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और सपा का सफाया होगा। विपक्ष के सभी दल मिलकर बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं, उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को तिकड़ी बताया। सपा प्रमुख का दिल्ली में हेलीकॉप्टर होके जाने पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव, आप और आपके गठबंधन को किसी के द्वारा रोकने की आवश्यकता नहीं। जनता ने रुकने का फैसला 2014 में कर दिया, जो आज भी कायम है। नौटंकी बंद करके 10 मार्च को वोट की गिनती के बाद 11 मार्च को सैफई जाने की तैयारी करें। 4 घंटे में नहीं, 40 मिनट में मेरठ पहुंचाने वाला तैयार है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा की जो लिस्ट आई है उससे साफ हो गया है कि ये नई सपा नहीं है, वही सपा है जिससे जनता पहले से ही खफा है। इसीलिए 2022 में सपा सफा है। सपा और उनके गठबंधन के लोग माफिया अपराधी के बल पर भाजपा को नहीं बल्कि जनता को हराने के लिए लड़ रहे हैं। सपा के सहयोगी दल सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर मुकदमे दर्ज होने की बात कही थी। इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा के पदाधिकारियों पर जनता के लिए आंदोलन करने में राजनीतिक मुकदमे हैं, जबकि सपा के नेताओं पर दंगा, हत्या और अपहरण कराने में मुकदमे दर्ज है। लोगों को सपा के गुंडों से डर लगता है और सपा के गुंडों को भाजपा सरकार से डर लगता है। बता दें, केशव प्रसाद मौर्य 2017 में भी सीएम बनने की काफी करीब पहुंच चुके थे। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी सीएम फेस के मैदान में उतरी थी। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक कयास लगा रहे थे कि भाजपा सत्ता में आई तो मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इस बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य समेत ओबीसी नेताओं ने सपा का रुख किया और बीजेपी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया तो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ बने रहे। ऐसे में उनका कद बीजेपी में जरूर बढ़ा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य ने परिस्थिति को भांपते हुए सही फैसला लिया है।